हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित रामटेके और आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1951 के चुनाव से लेकर लगातार भारत में अपना वजूद बनाए रखी हुई है और 1951-52 के पहले आम चुनाव में जिस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल हुआ था, तो इस पार्टी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसे अंग्रेजी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा कहा जाता है और इस पार्टी का जो हिंदी भाषांतर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह से किया जाता है। इस पार्टी का अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म होता है CPI और ये जो पार्टी है ये हिंदी में उसका शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है भाकपा। हम आगे वीडियो में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जगह पर CPI या भाकपा यही वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं। तो आप कन्फ्यूज ना होइए और CPI या भाकपा को एक ही समझिए, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये भारत का एक साम्यवादी दल है और इसकी जो स्थापना थी वो M.N. राय इन्होंने की थी। 1928 में जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कि जो विभिन्न देशों में कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर काम करने वाली जो पार्टियां थी उनका एकत्रित रूप से जो यानी एक इंटरनेशनल कमेटी थी उसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कहा जाता है। ये ज़्यादातर इसके ऊपर सोवियत रशिया का ही ज़्यादातर प्रभाव रहा है। तो 1928 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यप्रणाली निश्चित की थी, यानी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा या जो कोई प्रणाली होंगी वही भारत में प्रणाली होंगी, ऐसे प्रणाली 1928 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने तय की थी। इस दल के महासचिव एस सुधाकर रेड्डी है, अभी जो वर्तमान में महासचिव है इस पार्टी के भाकपा के वो है एस सुधाकर रेड्डी। ये भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। ये इसका मतलब ये है कि भारत में और भी बहुत सारी कम्युनिस्ट विचारधाराओं की जो पार्टियाँ हैं उनमें से सबसे पुरानी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भाकपा है। उसके बाद में जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां भारत में गठन की गई उनकी ज़्यादातर शाखाएं इसी पार्टी से निकली हुई है, जैसे माकपा या कम्युनिस्ट पार्टी MEL, ऐसे अलग अलग तरह या बोल्शेविक पार्टी भी जो है, ये यानी कि बहुत सी जो कम्युनिस्ट विचारधारा की जो शाखा है वो इसी पार्टी के से निकली हुई है। और इसके बाद में चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो है पन्नियन रविंद्रन जो है वो CPI के चेयरमैन। उसके साथ ही इस पार्टी का जो गठन है वो इस पार्टी के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 26 दिसंबर 1925 है। याद रखिएगा कि इस पार्टी का जो गठन का वर्ष है वो 26 दिसंबर 1925 है। इसका मुख्यालय जो है वो अभी फिलहाल में नई दिल्ली में है जो भारत में, जो इन्होंने जिनके साथ में ज़्यादातर गठबंधन किया है उसे कहा जाता है वाम मोर्चा या लेफ्ट फ्रंट के नाम से इसे जाना जाता है। तो 2019 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इस 2019 के लोकसभा चुनाव में CPI को केवल 2 ही सीटें मिली। पूरे भारत में CPI को सिर्फ 2 ही सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली है और अभी फिलहाल में राज्यसभा में इसकी जो सांसद है वो केवल 3 ही है। इनकी विचारधारा जो है वो साम्यवादी है और ये कई तरह के प्रकाशन भी करती है। मुख्य रूप से ये अंग्रेजी में न्यू एज नाम से प्रकाशन करती है, हिंदी में मुक्ति संघर्ष, बंगाली में कालांतर, मलयालम में जन युगम दैनिक और तमिल में जनशक्ति दैनिक,
यानी कि ये दो जो है वो दैनिक पेपर भी जिस पार्टी के नाम से प्रकाशित की जाती है। जिस पार्टी का जो फ्लैग है उसका रंग जो है वो पूरी तरह से लाल होता है, और इसकी जो स्टूडेंट विंग है वो स्टूडेंट विंग का नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, यानी कि AISF नाम से इसका स्टूडेंट फेडरेशन स्टूडेंट विंग जो है वो काम करता है। इसकी जो यूथ विंग है, यूथ विंग जो है उसका नाम है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, यानी कि ये भी AIYF के नाम से जाना जाता है। इसकी जो महिला विंग है वो महिला विंग जो है उसका नाम है नेशनल फ्रीडम ऑफ इंडियन वुमन। CPI की महिला विंग जो है उसका नाम है नेशनल फ्रीडम ऑफ इंडियन वुमन। वैसे ही इनके श्रमिक विंग भी है, जिसे यानी कि आप लेबर विंग भी कह सकते हैं, तो उसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इस पार्टी की एक लेबर विंग भी है। उसी तरह से इसका किसान विंग भी है, उस किसान विंग का नाम है ऑल इंडिया किसान सभा। इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है communistparty.in। अगर आप communistparty.in के नाम से गूगल पे खोजते हैं तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का जो इतिहास रहा है उसके पूरे डिटेल्स इस वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से अवेलेबल है। और यहाँ पे उनके राष्ट्रीय कमेटी से लेकर पूरे स्टेट की स्टेट कमेटी तक की जो है वो जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो अभी बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ और पहला आम चुनाव हुआ तो इस आम चुनाव में इस पार्टी की जो मौजूदा स्थिति थी वो किस तरह से थी। तो पहले आम चुनाव में लोकसभा में 16 सीटों पर जीत हासिल करके ये मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। यानी कि पहला आम चुनाव हुआ तो उस समय इस पार्टी के 16 सांसद जीत कर आए थे, और ये भारत में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी दूसरी पार्टी के रूप में पहचानी गई। उसके बाद में दूसरे आम चुनाव में भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी हुई और उनको 27 लोकसभा क्षेत्रों में जीत हुई। तो पहले लोकसभा चुनाव में इनको 16 सीटें मिली थी, दूसरे लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 27 सीटें मिली। और जो केरल जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो केरल विधानसभा के चुनाव 1957 को हुए थे, और वहाँ पे EMS नब्बुदुरीपाद के नेतृत्व में इन्होंने सरकार भी बनाई थी। देखो केरल में 1957 में EMS नब्बुदुरीपाद के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और ये विश्व में पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। यानी कि जो दुनिया में जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां है चल रही थी उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी में ये ऐसी पहली सरकार थी केरल की 1957 की जो लोगों द्वारा चुनी गई इस पार्टी की सरकार थी। अन्यथा जितनी भी चीन या सोवियत रूसिया में जितनी भी सरकारें आई है वो एक उग्रवादी आंदोलन के या किसी आंदोलन के फलस्वरूप उनके हाथ में सत्ता गई है, लेकिन ये भारत में पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी और ये विश्व की भी पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार। लेकिन हुआ क्या, ये विश्व की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार तो थी, लेकिन 1959 को क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन भारत के प्रधान थे उन्होंने इस सरकार को बर्खास्त कर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इस सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो इस पार्टी के जो नेता थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो इंटरनेशनल विचारधारा यानी कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के निर्देशों का पालन करती थी, तो उन्हें लगा था कि नेहरू और सोवियत रशिया के जो संबंध है बहुत अच्छे हैं, तो सोवियत रशिया जो है नेहरू जिसे कहकर जो उनकी सरकार है केरल की उनको बचा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोवियत रशिया जो था और नेहरू के साथ में अच्छे संबंध थे, तो उनकी भी इच्छा यही थी कि
जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी नेहरू को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे। तो इस तरह से ये 1957 में सरकार बनी और 1959 में इसे बर्खास्त किया गया। फिर भारत के तीसरे आम चुनाव में भाकपा को 29 सीटें मिली। तो इनके जो सीटें हैं वो लगातार तीनों चुनावों में बढ़ती गई, 16, 27 फिर 29। इसके बाद में भाकपा फिर भी यानी कि तीसरे चुनाव में भी भाकपा जो थी वो भारत की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी थी और वो विपक्ष दल का कांग्रेस के बाद में सबसे बड़ी दूसरी पार्टी और विपक्ष की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती। 1964 में भाकपा का विभाजन हुआ तो इसमें भी बहुत सारे जो नेता थे वो अलग हो गए 1964 में, जिसमें सबसे बड़े नाम थे जो 1957 में जिनके नेतृत्व में केरल में सरकार बनी थी वो नवनीत दुर्रीपाद, ज्योति बसु जो बाद में पश्चिम बंगाल के बहुत सालों तक जो है जो मुख्यमंत्री रहे वो भी भाकपा से चले गए। उसके बाद में हरिकिशन सिंह सुरजीत आदि ये इन्होंने भाकपा छोड़ दी। भाकपा छोड़ने के बाद में इन नेताओं ने माकपा या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नाम से एक दूसरी पार्टी बनाई और उस दूसरी पार्टी के नेतृत्व में इन नेताओं ने काम किया। और बाद में आपको जैसे कि पता है कि बाद में पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु सरकार बहुत दिनों तक रही। 1970 और 77 के बीच में ये बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग किस्सा है कि 1970 से लेकर 77 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल कांग्रेस के बीच में यानी कि IAC तत्कालीन जो सबसे बड़ी पार्टी थी इनके बाद इनके बीच में जो गठबंधन हुआ वो उस गठबंधन के तहत केरल में जो है 1970 से 77 तक एक गठबंधन की सरकार बनी थी। तो उस सरकार में भाकपा के जो KC अच्युत मेनन थे वो राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। याद रखिएगा ये नाम KC अच्युत मेनन जो 1970 से लेकर 77 तक यानी कि 4 अक्टूबर 1970 से लेकर 19 मार्च 1977 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसी दौरान क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व था वो इंदिरा गांधी के हाथ में था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन में थी। भाकपा का केरल में मुख्यमंत्री बना लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है भारत में आपातकाल घोषित किया। तो इस आपातकाल के तत्कालीन जो सभी विरोधी दल थे उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया, कांग्रेस का विरोध किया और आपातकाल का भी विरोध किया। लेकिन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन होने के कारण और उनका केरल में मुख्यमंत्री होने के कारण उन्होंने उस दौरान के आपातकाल का समर्थन किया था। एक तरह से इंदिरा गांधी और उनके द्वारा लगाए गए आपातकाल का भी समर्थन किया था। तो ये इस पार्टी के यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सभी पार्टियां जब उत्तर भारत में खासतौर से उत्तर भारत में सभी पार्टियां जो आपातकाल का विरोध कर रही थी तब एक पार्टी ऐसी भी थी भारत में जो आपातकाल का समर्थन कर रही थी। तो इसके बाद किसी भी राज्य में भाकपा की सरकार नहीं बनी। लेकिन ये भी एक मज़ेदार बात है कि आपातकाल में आपातकाल को समर्थन करने के बाद में या 1970 से लेकर 77 के बाद में कभी भी किसी भी राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनी। और 1970 से लेकर 77 के दौर में कांग्रेस से गठजोड़ होने के कारण भाकपा ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस का लगाए गए आपातकाल का समर्थन किया था, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो अभी जान लेते हैं कि 1980 से लेकर, वैसे तो मैंने पहला दूसरा और तीसरे लोकसभा चुनाव में इस पार्टी का किस तरह से प्रदर्शन रहा है वो तो बता ही दिया है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि 1980 के लोकसभा में से लेकर आज के 2019 तक के लोकसभा में इस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो 1980 में इस पार्टी को 11 सीटें मिली थी, फिर बाद में हुए 1984 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी की सीटें कम हुई
कम होकर 6 हो गई। फिर उसके बाद में 1989 का जो इलेक्शन हुआ, फिर पार्टी के सीटें बढ़े, डबल बढ़े और 12 हो गए। फिर बाद में 1991 का जो चुनाव हुआ, वो उस चुनाव में भी पार्टी की पिछले से 2 सीटें ज़्यादा यानी कि 14 सीटें आई। उसके बाद में 1996 में फिर पार्टी की सीटें 2 सीटें कम हुई और वो 12 रह गई। उसके बाद में 1998 का जो चुनाव हुआ, जिसमें फिर पार्टी की सीटें कम हुई और उनकी संख्या सिर्फ 9 रह गई। फिर बाद में 1999 में चुनाव हुआ, फिर पार्टी की सीटें घट गई और फिर 4 ही रह गए। उसके बाद में 2004 का इलेक्शन हुआ, ये 2004 के इलेक्शन में फिर पार्टी की जो सीटें थी वो बढ़ गई और 10 हो गई। ये 2004 की सरकार जो 10 सीटें थी ये बहुत ही अहम थी, क्योंकि ये 10 सीटों के बदौलत इन्होंने कांग्रेस की जो मनमोहन सिंह सरकार थी उनको समर्थन दिया था और बहुत सारी आम लोगों के हित की जो रणनीतिक और जो भी निर्णय हुए उसमें इस पार्टी का बहुत ही बड़ा अहम योगदान रहा था। और फिर 2008 में जो अमेरिका के साथ में संबंध के संदर्भ में जो भी वार्तालाप हुआ उससे इस पार्टी ने विरोध किया और फिर सरकार का समर्थन वापस किया, लेकिन 2004 के जो सरकार बनी थी उस सरकार को भी इस पार्टी का समर्थन था जब भाजपा के पास में 10 सीटें थी। फिर बाद में 2009 में फिर सीटें कम हो गई, फिर 4 हो गई। फिर 2014 में सिर्फ 1 सीट रह गई और फिर 2019 में सिर्फ 2 ही सीटें चुनकर आई है। तो आप देख सकते हैं कि पहले लोकसभा चुनाव से लेकर कुछ साल तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो उभार है वो बहुत ही अच्छी तरह से रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यानी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि 1989 से इस पार्टी का जो जनाधार है वो बहुत ही कम होते जा रहा है। और वैसे तो इसकी शुरुआत भाजपा में जो विभाजन हुआ 1964 में, जिसके बाद में माकपा पार्टी बनी, उसके साथ ही इस पार्टी का जो जनाधार है वो धीरे धीरे ख़त्म होते गया और वो एक तरह से माकपा की तरफ और अन्य पार्टियों की तरफ हो गया है। तो जो भी है, भारतीय राजनीति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक लंबी विरासत रही है और उनके पास में इस संसदीय क्षेत्र का बहुत ही अच्छा खासा लंबा इतिहास है और अनुभव भी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है राजनीति अधिकांश धाराएं इसी पार्टी से निकली हुई है, ये मैंने पहले भी बताया था। इसकी कोशिश रही है कि भारत में गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई सरकार बने। तो जैसा कि ये जो पार्टी है ये कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य दल की सरकार बनना इस भारत में बने इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। और जब 1996 के बाद में यदि देवेगौड़ा सरकार या गुजरात सरकार में इस पार्टी ने इस सरकार को बनाने में बहुत ही अहम रोल निभाया था और उस सरकार के यानी देवेगौड़ा सरकार और इंद्र कुमार गुजराल सरकार में भी इन्होंने मंत्री पद भी लिए थे और अच्छा मंत्रालयों में बहुत ही अच्छा काम किए थे। तो और एक बात कि इतनी भारत की इतनी यानी कि 1925 से लेकर अब तक भारत की राजनीति में होने के बावजूद भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी लीडर हुए आज तक उनके ऊपर एक भी पैसे का जो है भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक नहीं लगा है। यानी कि भ्रष्टाचार जैसे आरोपों से भाजपा हर स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्त रही है ऐसा कहा जाता है। तो ये थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या CPI या भाजपा जिसे हम बोल सकते हैं उसकी पूरी कहानी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आपको इस पार्टी के नेता या इसके अलावा भी यानी कि भारत स्वतंत्र होने के पूर्व का भी जो इतिहास है या मध्यंतरी में भारत स्वतंत्र होने के बाद में भी जो कुछ घटनाएं घटी है
उसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके कमेंट्स के आधार पर नए नए वीडियोज़ बनाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।